आईसीसी ने दिया विराट को इनाम, बाबर रिजवान का टूटेगा घमंड, सूर्या को भी लगेगा झटका, विराट कोहली टीम इंडिया के सबसे धाकड़ और अनुभवी बल्लेबाज। उनके बारे में कहा जाता था कि वो T20 क्रिकेट में अब सही से बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोहली ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। ऐसा जवाब कि सभी का मुंह बंद हो गया। विराट कोहली ने जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेल दी वो सालों सालों तक याद रहेगी और इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। विराट कोहली को अपनी इस ऐतिहासिक पारी का इनाम मिला है। ये इनाम ICC ने विराट कोहली को दिया है। ICC रैंकिंग में कोहली की टॉप 10 में एंट्री। विराट कोहली ने जो 82 रनों की पारी पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी, इससे उन्हें ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में बेहद ही फायदा हुआ है। विराट कोहली जो कभी ICC रैंकिंग में राजा हुआ करते थे, वो एक समय पर टॉप 10 से बाहर हो गए थे, लेकिन अब फिर से कोहली की टॉप 10 में एंट्री हो गई है और वह नंबर 9 पर पहुंच गए हैं। कोहली ने 5 स्थान की छलांग लगाई है। एक वक्त था जब पिछले कुछ सालों में विराट कोहली के बल्ले से सेंचुरी नहीं निकल रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी T20 क्रिकेट में लगाई और अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप में जोरदार शतक जड़ दिया। उसके बाद से विराट कोहली का बल्ला जमकर गरज रहा है। वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ धांसू पारी खेली और अब वो धीरे धीरे ICC रैंकिंग में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं विराट कोहली इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। रैंकिंग में तीसरे नंबर पे है सूर्य कुमार यादव। अगर भारत के खिलाड़ियों की बात करें तो इस ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव सबसे ऊपर पर हैं। एक वक्त था जब सूर्य कुमार यादव नंबर 1 पर पहुंच गए थे, लेकिन अब सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर आ गए हैं। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवे शामिल हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था। बाबर रिजवान टॉप 5 में शामिल। अब इस ICC T20 बल्लेबाजों रैंकिंग की बात की जाए और इसमें पाकिस्तान के बाबर रिजवान की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बाबर और रिजवान ने कमाल की बल्लेबाजी की है और वो T20 रैंकिंग में डंका बजा रहे हैं। अगर रिजवान की बात करें तो वो 849 अंक के साथ T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 पे है। वहीं उनके हमवतन और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम इस रैंकिंग में चौथे नंबर पे है। साउथ अफ्रीका के एडन माकरम 5वें नंबर पर है। ऐसे में अगर इस रैंकिंग की बात की जाए तो विराट कोहली भले ही टॉप 10 में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें अगर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सूर्य कुमार यादव को पीछे छोड़ना है तो जमकर रन बनाने होंगे। और विराट कोहली जिस फॉर्म में चल रहे हैं वो ये कारनामा कर सकते हैं। विराट कोहली से उनके फैंस उम्मीद करेंगे कि जल्द ही वर्ल्ड क्रिकेट का किंग अब ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग का भी किंग बन जाए और लगातार रन बनाते हुए हर किसी को पीछे छोड़ दे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली जल्द ही ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, साथ ही फॉलो कीजिए। वहीं वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइएगा।